हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेन नॉलेज। मैं हूं आपका फ्रेंड सचिन। आज इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12 के प्रश्नावली 2.2। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 3 साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब है। तो हम क्या करते हैं, इसमें x इज इक्वल टू हम साइन थीटा मान लेते हैं। तो हमारा थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इन्वर्स x। अब क्या करते हैं, हम साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। ये हमारा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा हो जाएगा, इसको ये हमारा हो जाएगा 3 थीटा। और हम थीटा का वैल्यू हमारा कितना है साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x, कि हमारे RHS के बराबर हो गया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है 3 cos inverse x cos inverse 4x cube minus 3x। इसमें हम क्या कर देते हैं कि x is equal to cos theta ले लेते हैं, तो theta is equal to हमारा कितना हो जाएगा cos inverse x हो जाएगा। और फिर इसका हम क्या करते हैं कि cos इनवर्स 4 cos हमारा क्यूब थीटा हो जाएगा, और ये हमारा 3 cos थीटा हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा cos 3 थीटा का फार्मूला बन गया। तो cos इनवर्स cos 3 थीटा हो गया, ये हमारा 3 थीटा हो जाएगा। और हमारे 3 थीटा का वैल्यू कितना है cos इनवर्स x हो जाएगा cos इनवर्स x, ये हमारे किसके बराबर हो गया RHS के बराबर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। इसमें क्या करते हैं, हम tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ये हमारा 2 से 2 24 हो जाएगा। तो ये हमारा tan इनवर्स जब हम करेंगे तो कितना आएगा 125/264 इंटू 264/250। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जा रहा है tan इनवर्स 1/2, जो कि हमारे RHS के बराबर है। फ्रेंड अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 2 tan inverse 1/2 प्लस tan inverse 1/7 इज इक्वल टू tan inverse 31/17 ये हमारा है। तो हमारा 2 tan inverse का फार्मूला होता है फ्रेंड, 2 tan inverse x इज इक्वल टू होता है tan inverse 2x/1 - x2। इसी फार्मूले में जब हम इसे रखेंगे तो हमारा tan इनवर्स कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ये हमारा इसी फार्मूले रखेंगे तो 4/3 आ जाएगा, और ये tan इनवर्स 1/7। अब tan का फार्मूला लगा देते हैं tan a प्लस b का, t हो जाएगा 4/3/1/7 अपॉन 1 - 4/3 इंटू 1/7 ये हमारा हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा tan इनवर्स 21/2 अपॉन 17/21 ये सॉरी यहाँ 21 नहीं 31 आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे
टी हमारा आ जाएगा 10 inverse 31/70। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा रहा 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है 10 inverse 1 plus x square -1/x। इसमें हम क्या करते हैं कि x is equal to 10 theta ले लेते हैं। तो ये जब x is equal to 10 theta लेंगे तो ये हमारा जो 10 inverse √1 plus 10 square theta -1/ कितना हो जाएगा 10 theta हो जाएगा। ये हमारा sec square theta हो जाएगा। ये रूट टाएंगे तो 10 inverse कितना हो जाएगा sec theta -1/10 theta होगा। अब इसको हम साइन कॉस के रूप में तोड़ लेते हैं तो इसको करेंगे 10 inverse तो ये हो जाएगा 1/cos theta -1। ये हो जाएगा sin theta/cos theta। इसके बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 10 inverse 1 minus cos theta/sin theta। अब इसके जगह हम लिख सकते हैं 1 minus cos theta की जगह लिख सकते हैं हम 2 sin inverse theta लिख सकते हैं, 2 sin inverse theta/2 लिख सकते हैं। और इसको हम जब करेंगे तो sin 2a के फार्मूला में तो ये हमारा 2 sin theta/2 cos theta/2। तो ये sin से एक sin कट जाएगा तो हमारा बचेगा 10 inverse। एक साइन ये बचा फ्रेंड, ये कॉस है तो sin/cos = क्या हो जाता है 10। तो ये हो जाएगा 10 inverse कितना हो जाएगा 10 theta/2 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा θ/2। हमारा थीटा का वैल्यू कितना था यहाँ पे, थीटा का वैल्यू हमारा हो जाएगा 10 inverse x। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो ये 10 inverse x/2। तो ये हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा है कि 10 inverse 1/√x²-1। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम x is equal to sec theta लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा sec inverse x। तो हम क्या करते हैं 10 inverse 1/ sec square theta minus जब 1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा sec square theta minus तो ये हमारा हो जाएगा 10 inverse। फ्रेंड ये हो जाएगा हमारा 10 theta हो जाएगा। इसको जब हम ऊपर लेंगे तो 10 inverse कितना हो जाएगा 10 inverse हमारा cot theta हो जाएगा। और इसके बाद जब इसको जब हम चेंज करेंगे 10 inverse इसको हम 10 π/2 - θ करेंगे, π/-2 / θ करेंगे तो हमारा हो जाएगा π - 2 और ये थीटा। अब थीटा की जगह क्या रखें तो फ्रेंड sec inverse x। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया। फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम और जो अदर क्वेश्चन बचे हुए हैं इस पे बात करेंगे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।